ये सारा निर्माण कार्य तत्कालीन विधायक निधि की विधायक निधि से हुआ है, जबकि कॉलेज प्रत्येक वर्ष डेवलपमेंट फीस लेता है, स्पोर्ट्स फीस लेता है, मेडिकल एड लेता है, इंश्योरेंस एड लेता है और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन एक्ट एड लेता है, उसका कोई हिसाब किताब कभी कोई नहीं दिया जाता। इसके लिए छात्र संघ लगातार लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मेरा ये मानना है कि जो अगर मैं अपनी बात को थोड़ा सा और इसका दायरा बढ़ाऊं तो 2007 के चुनाव, छात्र संघ चुनाव के बाद जो बदलाव आया मोटे तौर पर मानसिकता को लेकर, लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशन जब से इंप्लीमेंट हुई 2007 में पहली बार लागू हुई, लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशन का अपने आप में बहुत बड़ा एक कंट्रडिक्शन है, उसके अंदर बहुत सारी भिन्नताएं आपस में। आपने एक लाइन कह दी कि 17 से 22 साल तक का छात्र अंडर ग्रेजुएट चुनाव लड़ेगा, दूसरी बात आपने कह दी कि 25 साल का एमए वाला लड़ेगा, यह कंफ्यूजन है। आपने कह दिया रिसर्च स्कॉलर आप 27 साल तक लड़ाएंगे, ना तो आपने एज कम की ना आपने एज बढ़ाई, आपने केवल उसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं मोटे तौर पर कि उसने कहा आते हैं, मैं रोबिन भाई एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, रोबिन भाई मैं ये कह रहा हूं कि लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशन ने कहा कि छात्र संघ खर्च की जो सीमा होगी वो 5,000 रुपए होगी। छात्र संघों से आप, छात्र संगठनों से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आप 5,000 रुपए में चुनाव लड़िए, ठीक, और इसी चुनाव को संपन्न करने के लिए डीएवी कॉलेज का प्रशासन 5,00,000 रुपए खर्च करता है, ये अपने आप में भिन्नता है कि नहीं है? नहीं तो ठीक तो है ना, आप लोगों का खर्चा तो कम किया ना कि भैया आप 5,000 में चुनाव लड़ो, बाकी मैनेजमेंट कर रहा है इंतजाम। नहीं, मैनेजमेंट जो तादाद क्या है? आपके स्टूडेंट्स की है, इंतजाम तो सुनिए, मैनेजमेंट का जो 5,00,000 खर्च हो रहा है किस बात पे हो रहा है? हाँ। बैलेट पे हो रहा है। हाँ। बॉक्स उनके परमानेंट है और दूसरी बात उनके खाने और फीडिंग पे होता है। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने छात्र संघों से अपेक्षा की है कि 5,000 में चुनाव लड़िए तो आप भी अपने खर्चे को सीमित करिए, उनको उदाहरण तो दीजिए, आपका तो प्रतिस्पर्धा खर्चा बढ़ता जा रहा है। हाँ। अब आपने 2007 में कह दिया, सुप्रीम कोर्ट का मान्य उच्चतम न्यायालय का हवाला लेके 5,000 में खर्च करिए, अब 2007 में जो छात्र नेता कोई चीज प्रिंट या कागज खरीदता था अपने लिए 5,000 नहीं तो चलो अब 2007 के स्केच पेन में और आज के स्केच पेन में ठीक है कितना फर्क आ गया, 10,000 कर देते, लेकिन यहाँ तो लाखों में बात चली जा रही है ना। नहीं वो तो अब मुझे तो बड़ा देख के आश्चर्य होता है कि ये जो छात्र हैं, गोगी भाई आपके पास आना चाहूंगा, ये जो खर्चे की बात आती है और लिंगदो समिति की जो बात आती है सिफारिशों की, बड़ा आश्चर्य होता है कि कहां से आता है इतना पैसा, इस पे भी तो कोई पारदर्शिता होनी चाहिए ना भैया। इतना पैसा जो आ रहा है और आप जो लगातार खर्चा कर रहे हैं, इतना पैसा ये कहां से आ रहा है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है अपने आप में। ठीक, उसी तरीके से जैसे हम राजनीतिक पार्टियों के लिए कहते हैं कि आप चुनाव में विधायक के सांसद के चुनाव में कहां से पैसा लाए, तो छात्रों से भी तो पूछा जाना चाहिए, छात्र संघ से उनकी इकाइयों से पूछा जाना चाहिए, वही इतना पैसा कहां से आ रहा है। जी रविंद्र भाई, मैं आयते चौहान जी की एक बात से वाकिफ हूँ, मैंने बकाया भी नहीं 5,000 का जो खर्चा है, लेकिन हम चाहते हैं, हम संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन में रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि 5,000 में ही चुनाव संपन्न होना चाहिए। हमने जेएनयू के चुनाव देखे हैं, हमने कई एक दो जगह ऐसे चुनाव देखे जहां लोग बैलेट पेपर जो पोस्टर हमारे यहाँ छपे हैं वो चार्ट पेपर में लिख के बता रहे हैं कि मैं इस पोस्ट के लिए लड़ना चाह रहा हूँ, मैं इस पद के लिए लड़ना चाह रहा हूँ, वो बाकायदा एक मीटिंग करके अपनी बात बोल रहे हैं कि हाँ अगर मैं जीतूंगा तो मैं क्या करूंगा। अब जहां हमारे निश्चित तौर से जो हमारे छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, लिंगदो कमेटी जो कह रही है कि 5 से 10 हज़ार में चुनाव होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। हम चाहते भी हैं कि 5,000 में कुछ प्रचार है या हमारा मैनेजमेंट कुछ ऐसा करे कि रिस्ट्रिक्शंस हो। लिंगदो कमेटी जब सिफारिशें कह दे रही है वो लिपा पोती सी टाइप की हो रही है उसमें। गोगी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी, आप एक पत्र लेके जाइए मुख्यमंत्री के पास और कहिए ये तमाम चीजों को कड़ाई से इनका पालन कराया जाए, क्योंकि आप लोगों के विधायक चाहे वो बीजेपी के हों कांग्रेस के हों वो प्रिंसिपल के कमरे तक पहुंच जाते हैं। मैं वही आपकी बात का बोलना चाहूंगा, ये कॉलेज प्रचार है, कॉलेज प्रबंधन की जिम्मेवारी बनती है कि वो अगर छात्र संघ चुनाव करा रहे हैं तो वो जो भी लिंगदो कमेटी की सिफारिशें हैं वो देखें कि क्या ये पूर्ण हो रही हैं या नहीं, क्या इसमें कहीं लिपापोती हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, अगर कहां दिक्कत आ रही है। अगर आप बोल रहे हो कि 22 तक छात्र नेता के रूप में अगर आपकी चिंताएं हैं और वो गंभीर हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक बार अपनी सरकार से भी बात कर लेनी चाहिए कि भैया निश्चित तौर से, बिल्कुल निश्चित तौर से, आज आपने कुछ बातों में हमें गंभीर रूप से बताया है तो हम लोग इस मुद्दे में। अरे सर, हर साल कर करके थक गए हम इस तरीके के कार्यक्रम, हर साल अखबारों में आता है कि लिंगदो सिफारिशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं आज गोगी भाई, ये तो चला आ रहा है जब से आपके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, ये लिंगदो कमेटी की सिफारिशों की धज्जियां, ये आप अखबार में भी पढ़ते होंगे, कभी कभार हम भी डिबेट करा लेते हैं उस पे, तो ये तो चला ही आ रहा है। नहीं रोविन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से वाकिफ हूँ, लेकिन ये कॉलेज प्रचारक की जिम्मेवारी बनती है कि वो लिखें कि मैं लिंगदो कमेटी की ये सिफारिशें और ये हम चाहते हैं कि ये पूर्ण हो,
लेकिन इसमें ये दिक्कतें आ रही है, हमें सरकार से ये मदद चाहिए, तो हम लोग वो प्रयास भी करेंगे और हम विश्वास भी दिलाते हैं कि वो मदद पूरी मिल पाएगी। लेकिन ये पहला स्टेप कॉलेज प्रचार्य या प्रबंधन को उठाना पड़ेगा कि हाँ कि हाँ इसमें ये समस्या आ रही है, और हम अगर इसको जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें पैसे खर्च का, इसमें दिक्कतें आ रही हैं और हमें इतनी फोर्स की जरूरत है या इन चीज़ों की जरूरत है, तो हम सरकार से बात करेंगे और वो निश्चित तौर से हम मदद दिलाएंगे। लेकिन पहला स्टेप जो है वो कॉलेज प्रचार्य को ही उठाना पड़ेगा इसके लिए। चलिए चलिए गोगी भाई, मैं स्वाति को इस डिबेट में लाना चाहूंगा। स्वाति, मैं इस पहलू पर आपसे बात करना चाहूंगा कि जब एक छात्र किसी इकाई के साथ जुड़ता है, चाहे वो NSUI के SFI और तमाम जो स्टूडेंट यूनियन जो ग्रुप्स हैं उनके साथ जुड़ता है, चाहे ABBP के साथ जुड़ता है, क्योंकि आप पहले NSUI के साथ जुड़ी थी, अब आप अलग NSUI से अलग हटकर आप चुनाव लड़ रही हैं, तो जब एक छात्र जब एक किसी संगठन के साथ जुड़ता है, छात्र संगठन के साथ जुड़ता है, तो क्या वो उसको उसकी आइडियोलॉजी की बारीकियां पता होती हैं, या फिर वो एक पर्ची काटने वाला सिस्टम होता है, बस उतना भर होता है, क्योंकि आज आपने NSUI छोड़ दिए? ऐसा है कि जो आज के छात्र हैं वो किसी भी संगठन की आइडियोलॉजी को नहीं समझते हैं, वो डायरेक्ट आते हैं कॉलेज में, उनकी जो भी व्यक्ति मदद करता है, सबसे पहले हमारे जो कॉलेज प्रशासन है, मतलब वो इतने उसमें ये रोल है कॉलेज प्रशासन की, कोई भी नया बच्चा अगर एडमिशन करवाने हमारे कॉलेज में आता है तो जो भी स्टाफ मेंबर है, कमेटी मेंबर बैठा होता है, तो उनका व्यवहार कुछ इस तरीके से होता है कि छात्र परेशान हो जाता है, और उस छात्र को फिर छात्र नेताओं की जरूरत पड़ती है। अगर कॉलेज जो प्रशासन है उसका व्यवहार इतना अच्छा हो कि उसमें छात्र नेताओं को आना ना पड़े एडमिशन के लिए, आज की डेट में छात्र नेताओं का काम मात्र एडमिशन करवाना रह गया है, छात्र नेताओं के पास एक ही मुद्दा है एडमिशन, एडमिशन के सिवाय कोई भी मैं 4 साल से कॉलेज में हूँ, मैंने आज तक हमारे बड़े भाई आदित्य चौहान जी यहाँ पे बैठे हैं, पिछले 5 साल से 6 साल से ABP हमारे कॉलेज में जीत रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मतलब पिछले 6 साल से अगर ABP ने हर साल एक एक मुद्दा उठा के उस पर काम करा होता तो शायद आज हमारे कॉलेज परिसर का मतलब चेहरा ही कुछ अलग होता है। आपने देखा है कि उसकी हालत मतलब बद से बदतर है, कहीं आप पेंट की बात कर लीजिए, मैगजीन्स की बात कर लीजिए, तो मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं है, मैगजीन से तो बच्चों का कोई मतलब फायदा हो ही नहीं रहा है, और अगर इंटरनली कॉलेज कैंपस को आप देखिए तो मतलब कॉलेज कैंपस में ऐसा कोई पिछले 6 साल से कोई सुधार नहीं है, वहाँ मतलब साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है, कॉमन गर्ल्स रूम है वो नहीं खुलता है, टॉयलेट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो छात्र पिछले 6 साल से जो उनका छात्र संगठन जीत रहा है, तो अगर हर साल एक एक अध्यक्ष भी एक एक जिम्मेदारी भी लेता तो शायद आज हमारे कॉलेज का चेहरा ही कुछ अलग होता। स्वाति, NSUI क्यों हार रही है? लेकिन आप अलग हैं NSUI से, लेकिन मैं अभी तस्वीरों में देख रहा था आप प्रोटेस्ट कर रही थी, ये पिछले साल की तस्वीरें थी, पिछले साल तक की अगर मैं बात करूं, NSUI क्यों हार रही थी फिर? देखिए भाई, NSUI में भी छात्र जो है कि मतलब बेसिक उनका भी कोई फंडा नहीं है कि छात्रों के लिए क्या काम करना है, बेसिक उनका ऐसा कोई मोटो है नहीं कि छात्रों के लिए क्या काम करना है, साल के आखिरी में आके मतलब छात्रों के बीच में चुनाव लड़ना, अपने प्रतिनिधि को उतारना, लेकिन उसका भी कोई बेसिक मुद्दा होता नहीं है उनके पास भी, कोई छात्र राजनीति जो छात्र करने आता है, जो भी छात्र नेता होता है जो राजनीति में आता है, उसका कोई बेसिक मुद्दा मेंटेलिटी कोई सोच होनी चाहिए कि किस मुद्दे किस क्या चाहती है, किस तरीके का विजन होना चाहिए, और आप हालांकि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी हैं, तो आप किस तरीके से सोच रही हैं, क्या विजन लेके आप चुनाव में उतरी? जितने भी छात्र हमारे कॉलेज में आते हैं, कुछ छात्र जो समय से एडमिशन ले लेते हैं वो तो जिम्मेदार छात्र होता है कॉलेज का, जो छात्र जिन्हें हम खुद जाके कहते हैं कि आप अपना एडमिशन करवा लीजिए, वो कहते हैं नहीं हम बाद में करवा लेंगे, तो उनकी जो एक मानसिकता है DAV कॉलेज के बारे में वो खराब है, और वो खराब हमारे छात्र नेताओं की वजह से है, क्योंकि वो लोग सपोर्ट करते हैं, जो छात्र अपने लिए जिम्मेदार नहीं है वो हमारे कॉलेज के लिए, छात्र संघ के लिए या किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। तो जो हमारे छात्र नेता है वो खुद बढ़ावा देते हैं उस चीज को कि जहाँ 6,000 एडमिशन हो रहे हैं वहाँ 30,000 होने चाहिए, लेकिन वो 30,000 बच्चे अगर अपने भविष्य के लिए मतलब फेथफुल होते और उन्हें बिल्कुल परवाह होती अपने भविष्य की, तो वो समय से कॉलेज आते और काम करवाते, तो ऐसे लापरवाह छात्रों के लिए जो हमारे छात्र नेता भागते हैं, इससे वो अपनी जो अस्तित्व है, छात्र नेताओं का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। छात्र जो होते हैं वो समझते हैं बस ये जो छात्र नेता है ये माध्यम है कि कैसे ना कैसे हमारा मतलब एडमिशन करवा देंगे, छात्र नेता आज सिर्फ एडमिशन का माध्यम बन के रह गए। ठीक है स्वाति, अब वो तो क्योंकि अब उस प्रोसेस में जाएंगे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में ही इतनी सारी खामियां निकलेंगी कि कॉलेज क्यों नहीं आता छात्र और कोचिंग क्लासेस क्यों ज्वाइन कर लेता है तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, वो एक अलग मसला भी है, लेकिन इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मेरी ओके, मेरी ओके।
रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कुमार स्वीट्स माजरा की तरफ से पूरे देश प्रदेश को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। उससे 50 रुपए कम दूंगा, चलो वही मान लो, जो उनको रेट दे रहा हूँ उससे 50 कम दूंगा। मेरे भाई को भी एक राशन तक नहीं मिले, इन्होंने वहाँ तो कुछ भी नहीं मिला है, मैं क्यों जैसे मेरा भाई भी तो उस समय से मैं आया वहाँ से, क्यों नहीं मिला मेरे भाई को? आप कह रहे ना, आप तो हैं बड़े, आप हमसे बड़े हैं, आपको हमें क्यों नहीं मिला है? हमने उनको 580 रुपए का दिया, नागर साहब जी का और कमिश्नर साहब का, हमारा कोई आउट नहीं। चारों के चार मिला लापता है, समझ लो जब आए नहीं तो मर नहीं गए, तो सब लोगों ने बताया था मर गए थे, मैं तो वहाँ गया नहीं, मैंने घर ही में। कि आज हम रोड पे आके 2 किलो चावल मांग रहे, के बाद आपका स्वागत है और आज बात छात्र राजनीति पे हो रही है। एक खास पैनल हमारे साथ स्टूडियोज में है, आदित्य चौहान जी के पास मैं जाना चाहूंगा। आदित्य भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि आप, जब मेरा जो पहला सवाल था कि छात्र राजनीति बेहद जरूरी है, ठीक है वो जरूरी है, लेकिन क्या वो तमाम जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां भी वो उतनी ही जरूरी है? मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखेंगे लिंग दो कमेटी की जो रिकमेंडेशन हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट थ्रू सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए एमएचआरडी की तरफ से तमाम स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को जारी किया गया। उसके अंदर लिखा है कि देश में संचालित, मैं देश की बात कर रहा हूं, पूरे देश में संचालित होने वाले किसी भी अपर कोर्सेज में, यानी यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हों या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हों या गवर्नमेंट कॉलेज हों, सब में छात्र संघों की आवश्यकता है। छात्र संघ चुनाव करना मैंडेटरी है, आवश्यक है, जरूरी है, ये कहा गया है उसमें। ये अलग बात है कि कुछ इंस्टीट्यूशन ने अपने लॉ एंड ऑर्डर का, अपने मॉड्यूल होने का गलत फायदा उठाया, चुनाव नहीं कराए, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसमें लिखा है कि उनको छूट दी गई। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को उसमें कहा गया कि आप 3 साल तक अपने स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो करें। आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के छात्रों की मांगों को लेकर भी मैंने कई बार देखा है, चाहे वो एनएसयूआई हो, एबीवीपी हो, धरना देते हैं, तमाम कवरेज भी उसकी होती है। क्या एक आंदोलन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अब जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कई आ गई हैं, कि वहां पर छात्र संघ चुनाव हो, इसके लिए क्या एक आंदोलन आप लोगों की तरफ से नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हो क्या रहा है कि जो ज्यादा शोषण हो रहा है वो प्राइवेट संस्थानों में हो रहा है, छात्रों का मानसिक, आर्थिक, या उस शोषण में तो परिवार तक जुड़े हैं। हम डीएवी कॉलेज बहुत आंदोलन करते हैं, मैं अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूं, मैंने भी अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा छात्र संघर्षों में व्यतीत किया है, लेकिन हम लोगों ने जो संघर्ष किए उस दायरे को हमने बढ़ाया। देखिए डीएवी कॉलेज की छात्र राजनीति को आप कैंपस में मत जोड़िए, ये विद इन कैंपस नहीं है, डीएवी कॉलेज की छात्र राजनीति से हमेशा इस क्षेत्र को, इस राज्य को दिशा दी है। आंदोलनों का नेतृत्व किया डीएवी कॉलेज के छात्र था आपसे, वो इसी को लेकर था कि वो जो कंस्ट्रक्टिव काम आप बता रहे थे वो डीएवी कॉलेज के अंदर, जब आप एक छात्र राजनीति में आ रहे हैं और आपकी एक पूरी इकाई है, एक संगठन है, क्या विजन लेके आते हैं आप पूरे सूबे के लिए? आप सबसे बड़ा कॉलेज है, सारा प्रदेश आपको देखता है, आप लोग आज स्टूडियोज में भी बैठे, तो क्या विजन होना चाहिए? क्या वो हम वो डिलीवर कर पाते हैं उन मंचों से? जब डीएवी कॉलेज के मंच पर चढ़कर हम माइक पकड़ते हैं, तो वो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके इतर हम कोई विजन दे पाते हैं अपने छात्रों को कि इस तरीके के काम होने चाहिए?
मुझे लगता है हम लोग विजन भी देते हैं, हम उस विजन में सम्मिलित भी होते हैं। देखिए ऐसा है कि कई मैं उदाहरण आपको बता सकता हूँ जो डीएवी कॉलेज ने लीड किया और डीएवी कॉलेज के छात्र नेताओं ने संगठनों की दशा और दिशा से ऊपर उठकर लीड किया। 2005 में इस राज्य में बीएड का प्राइवेटाइजेशन हो गया। मैं आपको चंद एक उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा। उस बीएड के प्राइवेटाइजेशन से चूंकि गरीब छात्र बीएड करता था उसका एक आंदोलन, उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया गया। सारे छात्र संगठनों ने उसको पार्टिसिपेशन किया, विश्वविद्यालय घिरा हुआ, छात्रों गिरफ्तारी हुई, रैली हुई और नतीजा ये हुआ कि जो बीएड के द्वारा ब्लैकमेलिंग करके छात्रों का शोषण किया जाना था उस पर एक बहुत बड़ी रोक लगी। 2006 में 22 कॉलेजों की एनसीटी द्वारा मान्यता समाप्त की गई। ये डीएवी कॉलेज की छात्र राजनीति का दम था, ये डीएवी कॉलेज की छात्र राजनीति के छात्र नेताओं का प्रभाव था जिसके फलस्वरूप सरकार को ऐसे निर्णय लेने पड़े। तो मेरा ये मानना है कि केवल ये विजन बाहर भी निकलना चाहिए और निकलता भी रहा है। बीच में मुझे लगता है कि ये अपरिपक्वता छात्र राजनीति में लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश है लागू हुई वो भी एक एज फैक्टर की वजह से। जब तक उसको कुछ छात्र राजनीति के गुण और अवगुण समझने या सीखने के लिए आते हैं तब तक उसको चुनाव लड़ाना पड़ता है। समझ रहा हूँ, वो आपकी पार्टी में जो 40-40 साल के नेता हैं वो कांग्रेस में बीजेपी में उन्हें युवा नेता ही बने रहने का शौक है। तो भैया डिग्री कॉलेज से तो बाहर जाने का समय आएगा ना सर, क्लास पास करके बाहर जाने का समय तो आएगा ही। अब आप चाह रहे हैं कि 40 साल तक आदमी वहीं रहे डिग्री कॉलेज में युवा छात्र नेता बनके? नहीं, 40 साल का विषय नहीं है रोबिन। रोबिन जी 40 साल का विषय नहीं है, एक रिसर्च स्कॉलर की जो एज लिमिट 28 साल तक मानी गई है, एक रिसर्च स्कॉलर की। और आपने डीएवी कॉलेज को रिसर्च सेंटर माना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन सिफारिशों में भिन्नताएं बहुत है आपस में। तो होता क्या है कि परिपक्वता के लिए तो आप देंगे ना, आपने 12th पास की, सीधे आप कॉलेज आ गए, सीधे आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अब हो क्या रहा है कि एक कम्युनिटी ऐसी डेवलप हो रही है इंटर कॉलेज में, स्कूलिंग लेवल पे, डिग्री कॉलेज में मत जाइए। मैं ये एक जनरल प्रोस्पेक्ट में आपको बता रहा हूँ कि स्कूलिंग लेवल पे एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप हो रही है विद इन स्टूडेंट्स कि मुझे डीएवी कॉलेज में, डीवीएस कॉलेज में, फलाने कॉलेज में जाकर चुनाव लड़ना है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो भ्रांति है, इस भ्रांति को दूर करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा छात्र राजनीति का फायदा क्या होना है। आप छात्र राजनीति में आगे पढ़ सकते। देखिए मैं जहां तक व्यक्तिगत बताता हूं, मैं एक छात्र नेता रहा हूं, मैं नहीं जानता मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैंने एमए किया, मैंने एमबीए किया एंड आई एम ए रिसर्च स्कॉलर और हमने बहुत कंपटीशन दिए। ठीक है, गोगी भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, मैं उन्हीं की बता रहा हूं। एक मिनट, समय कम है क्योंकि गोगी भाई नाराज हो जाएंगे कि आप ही को सारा समय दे दिया। गोगी भाई मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि जो बात मैंने स्वाति से भी पूछी थी कि जो आइडियोलॉजी है क्या उसको देखकर छात्र जो है आपके संगठन में आता है, या आप वो जो आइडियोलॉजी वो बता भी पाते हैं अपने छात्रों को? जैसे यूथ कांग्रेस में तो आप लोग पर्ची काट रहे हैं आजकल, वो जो प्रोसेस पूरा, फॉर्म फिल कीजिए, पर्ची काटिए, यहाँ पे भी क्या पर्ची काटने वाला सिस्टम है, या वाकई छात्र आपकी आइडियोलॉजी को देखकर आपके साथ जुड़ता है, या वो एक ग्लैमर देख के जुड़ता है कि भाई अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मेरे बगल में भी मुझे विधायक जी हाथ मिलाएंगे, मंत्री जी आएंगे, मेरे मुझे शपथ दिलाएंगे, वो ग्लैमराइज हो गया एक तरीके से, या आइडियोलॉजी का खेल अभी भी है? जी रोबिन भाई, बिल्कुल आपके सवाल का जो उत्तर है, हम लोग भी 12th पास करके जब कॉलेज में आए तो हमने सोचा कि अब संगठन के साथ जुड़ने की हमारी इच्छा भी थी और छात्र राजनीति कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट भी था। लेकिन हमने देखा कि जब दो पार्टियां, हमने देखा कि कॉलेज में दो राष्ट्रीय स्तर के पार्टियां हैं और दो संगठन है, एक एवीपी, एक एनएसयूआई, तो कहीं ना कहीं जब हमें आइडियोलॉजी की बात आई तो हमने देखा कि एनएसयूआई में सेक्युलरिज्म है, तो सेक्युलरिज्म देख के, और एक दूसरा संगठन मात्र एक हिंदूवादी संगठन है, तो कहीं ना कहीं जो हमें कुछ चीजों में डिफरेंसेस लगे तो हमें लगा नहीं इस संगठन में सेक्युलरिज्म वाली भावना है और कुछ ना कुछ जो हमारे विचार जो हम चाहते थे, जिस संगठन से हम जुड़ना चाहते थे, और माननीय राहुल गांधी जी जो युवाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हाल के मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हाल के हमारे विधानसभा चुनाव में हमारी यूथ कांग्रेस की लोकतांत्रिक कमेटी चुन के आई इस बार प्रथम उत्तराखंड में, तो 7 लोगों को विधानसभा में चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो ऐसे मौके भाजपा में या किसी और संगठन में नहीं मिल पा रहे हैं। तो जो हमारी आइडियोलॉजी थी उस आइडियोलॉजी के ब्याह पे हम लोग अपने इस संगठन के साथ जुड़े हैं, स्वयं जुड़े, फिर हम एपी अपना यूथ कांग्रेस की तरफ हम लोग बढ़े। जो हम मेंबरशिप में चलाते हैं, तो पहले क्यों एनएसयूआई क्यों छोड़ दिया आपने? गोगी भाई तो कह रहे हैं कि सब बढ़िया है और आइडियोलॉजी भी बहुत बढ़िया है, क्यों छोड़ दिया आपने एनएसयूआई? क्योंकि एनएसयूआई में मतलब किसी भी कार्यकर्ता के लिए कोई मतलब प्लेटफॉर्म है ही नहीं, मेरा जहां तक ये मानना है। वहां जो भी चीज होती है, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो भी टिकट वितरण होता है, उसका कोई प्रोसीजर ही नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपने एनएसयूआई ज्वाइन की
क्यों की थी उस समय एनएसयूआई ज्वाइन? उस समय तो मैंने, मेरी सोच मानसिकता ये थी कि जो राहुल गांधी जी हैं, जो युवाओं की प्रेरणा है, तो उनका संगठन है, तो मेरा ये मानना था कि इस संगठन में मतलब कुछ ऐसा, मैंने एबीवीपी इसलिए ज्वाइन नहीं की कि मेरे को एबीवीपी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन एनएसयूआई में मैं राहुल गांधी जी से बहुत प्रेरित थी और मुझे ये था कि वो युवाओं के स्रोत है, वो युवाओं के लिए बहुत कार्य करते हैं। लेकिन जब मैंने 3 साल संगठन में व्यर्थ किए हैं तो मैंने देखा है हमारा दुर्भाग्य है कि जो छात्र राजनीति, जो हमारे किसी भी आज मतलब 10 साल पहले जो छात्र राजनीति होती थी तो वो मुद्दों पे होती थी, उस पे जो हमारे सीनियर्स थे वो डिबेट करते थे, लेकिन आज किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही हैं, क्या विजन है आपका? देखिए भैया, मेरा मानना है कि जो हम छात्र संगठन का चुनाव लड़ते हैं वो छात्रों के लिए होता है, तो छात्रों के लिए जो हमारी सोच है वो मतलब छात्रों के लिए हमारी कुछ सोच, हमारे लिए उनके मन में मतलब कुछ वो कौन सी सोच थी जो आपको लगा कि एनएसयूआई में नहीं है और आप इंडिविजुअली उसको लागू कर सकती हैं? एनएसयूआई में ही नहीं भैया, मेरे हिसाब से आज दिए किसी भी छात्र संगठन, जितने भी संगठन है किसी में भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे छात्र नेता है वो मानते हैं कि हमारे यहाँ क्वांटिटी एजुकेशन होनी चाहिए ना कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, वो लोग इस चीज पे फोकस ही नहीं करते कि जो छात्र हमारे कॉलेज में आते हैं वो जब 3 साल बाद या 5 साल बाद जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा, उन्हें हम क्या देके भेजेंगे अपने कॉलेज से, कितनी शिक्षा उनके पास होगी, वो आगे जाके किस लेवल की मतलब किस लेवल पे कॉम्पिटिशन में आगे बैठ पाएंगे, तो ये कोई भी मेरे हिसाब से आज तक किसी भी छात्र नेता में हिम्मत नहीं है कि सोच पाए, वो डरते हैं छात्रों से, वो ये सोचते कि अगर हम छात्रों का एडमिशन नहीं करवाया तो हमारा छात्र संघ कमजोर पड़ जाएगा, हमें वोट नहीं पड़ेंगे, तो वो सब लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी छात्रों का जो बेसिक मुद्दा होता है कोई भी उस पे ध्यान नहीं देता, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, अगर आप छात्र हितों के लिए काम कर रहे हो तो मतलब सबसे पहले आपका मोटिव होना चाहिए कि छात्रों को आप आगे बढ़ाएं, उनके लिए आप कुछ अच्छा करें। गोगी भाई, मैं आपके पास आना चाहूंगा, मैं जो स्वाति ने बात बोली ठीक है, वो अब एनएसयूआई में नहीं है तो वो तमाम चीजें आप बोल भी रही हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एज ए करियर पॉइंट ऑफ व्यू जब एक छात्र राजनीति को लेता है तो उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, जैसा आप लोगों ने बताया कि होता है कि वो छात्र राजनीति से होकर गुजरता है और उन बारीकियों को समझता चला जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं, जब आप मुख्य धारा की राजनीति में पहुंचते हैं, और आप दोनों आदित्य भाई भी और आप भी मुख्य धारा की राजनीति से जब जुड़ रहे हैं, उसमें आपका पदार्पण हो चुका है, क्या युवाओं को आप जो छात्र नीति से जो लोग आए हैं उनको तवज्जो दी जाती है? आपका वो जो एक्सपीरियंस है, जो आपने गेन किया है, जो आपने कमाया है छात्र राजनीति के जीवन में, वो कहीं ना कहीं काउंट करता है जब आपको टिकट बंटवारे की बारी आती है? निश्चित तौर से रोविंद भाई, जो एक छात्र राजनीति से हम लोग निकले हैं, बेसिकली इट इज अ प्लेटफॉर्म, एक हमें प्लेटफॉर्म बना हुआ मिल गया है, हमें एक पहचान मिली है डीवी कॉलेज से, एनएसयूआई से एक पहचान मिली है, आज हम यूथ कांग्रेस के माध्यम से एक मेन मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो पहचान हमें छात्र राजनीति से मिली है, डायरेक्टली हम मेन कांग्रेस में या किसी नहीं, आपकी पार्टी तवज्जो देती है उसको, पहचान तो मिल गई आपको जी, निश्चित तौर से तवज्जो दे रही है, क्योंकि आप देखिए ना कि हम पहले छात्र राजनीति से जुड़ा, डीएवी कॉलेज में आया, उसके बाद मुझे एनएसयूआई अध्यक्ष बनाया गया, फिर मुझे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, लोकतांत्रिक से मैं चुनाव जीता, तो एक हाँ, एक प्लेटफॉर्म मिला हमें एनएसयूआई से यूथ कांग्रेस, फिर मेन कांग्रेस में, अब कहीं ना कहीं हम मुख्य धारा से जुड़ने पाए। आपसे इसी सवाल का जवाब शॉर्ट में अगर मिल जाए। मौका मिल रहा है अभी आपको, मैं बता देता हूं कि हमारे साथ के दो ही लोगों को बिल्कुल भी, गोगी भाई आपकी बात आ गई क्योंकि समय कम है, आदित्य भाई से मैं लास्ट रिएक्शन लेता हूं, इस प्रश्न का जवाब अगर आप दे दें कि तवज्जो मिलती है क्या, क्या पैमाना रखा जाता है जब टिकट का बंटवारा होता है? हाँ, तवज्जो मिलती है, और युवाओं में 35 साल से नीचे 7 लोगों को विधानसभा में अभी हाल में ही टिकट मिले हैं, जिसमें 2 लोग हमारे जीत के भी आए जी। आदित्य चौहान जी जवाब दें। मैं रोबिन जी, थोड़ा सा फर्क है, एनएसयूआई चूंकि कांग्रेस का डायरेक्ट विंग है, विद्यार्थी परिषद किसी पॉलिटिकल पार्टी का विंग तो है नहीं, हम तो 1949 में स्थापित हो गए थे, और जिस पार्टी का आप हमें विंग बताते हो, पार्टी 1980 में स्थापित हुई, सौभाग्य से उस वैचारिक समानता के नाते मुझे उस पार्टी में काम करने का मौका मिला, और एक छात्र नेता के तौर पर मेरा बहुत स्वागत, बहुत उत्साहवर्धन जिस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं उसमें होता है। निश्चित तौर से छात्र राजनीति की मेरी कमाई, जो मैंने वहां संघर्ष किया, संघर्षों से जो मैंने अपना पसीना बहाया, उस पसीने को इस समाज आपकी के बीच पार्टी सम्मान दे रही है उसको। चलिए आदित्य भाई, बात आ गई आपकी, समय कम है, और हम मेरी शुभकामनाएं तीनों के लिए हैं कि 5, 10, 15 साल बाद जब अगर हमारा कभी आमना सामना हो तो वो इस रूप में ना हो कि आपने टिकट के लिए या पार्टी से इस्तीफा दे दिया या चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी आपके छात्र जीवन के जो संघर्ष है उसको ध्यान रखे और आपको जरूर टिकट दे, और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। छात्र राजनीति से स्वाति शुरुआत कर रही हैं और आप लोग आगे निकले हैं, मुख्य धारा की राजनीति से जुड़े हैं, आप सबके भविष्य की मंगल कामना के साथ इस कार्यक्रम का समापन, नमस्कार।
आवो सिख सतगुर के प्यारे ओ गावो सच्ची वाणी 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 देखिए रोज सुबह नेटवर्क 10 पर गावो सच्ची वाणी सर 50 रुपए कम दूंगा चलो वही मान लो जो उनको रेट दे रहा हूँ उससे 50 कम दूंगा मेरे भाई को भी एक राशन तक नहीं मिली इन्होंने थी वहाँ तो कुछ भी नहीं मिला है मैं क्यों जैसे मेरा भाई भी तो उस समय से मैं आया वहाँ से क्यों नहीं मिला है मेरे भाई को आप कहो ना आप तो हैं बड़े आप हमसे बड़े हैं आपको हमें क्यों नहीं मिला है हमने उनको 580 रुपए का दिया उन नागर साहब जी का और कमिश्नर साहब का हमारा कोई आउट नहीं चारों के चार मिला लापता है समझ लो जब आए नहीं तो मर नहीं गए तो सब लोगों ने बताया था मर गए थे मैं तो वहाँ गया नहीं मैंने घर ही में कि आज हम रोड पे आके 2 किलो चावल मांग रहे सानू है तेरी लोड़ लोड़ वे सानू है तेरी लोड़ लोड़ वे सानू है तेरी लोड़ लोड़ वे नमुख सतो मोड़ वे क्या मूर्त कड़ी है बंदा कतली हो जाए दी खातर वाओ ब्यूटीफुल हेदले ते बंदा कतली हो जाए सुखा थोड़ा फड़ी है छड़ के इतने ना आता। ओ यार, तेरे को क्या मैं लूँगा जब भी।